पानी फ्री देंगे। अरे भाई ये तो व्यवस्था की बात है ना, प्रबंधन की बात है। लेकिन अगर कोई आदमी कह रहा है कि मैं प्रबंधन करके फ्री में दूंगा तो दिक्कत क्या है? दे ही नहीं सकता पहले। अरे हम ये कह रहे हैं ना कि लोग मोदी जी के बारे में बोलते थे कि मोदी जी कर ही नहीं सकते हैं। अभी आप 5 साल मोदी जी ने अपने राजनीतिक जीवन में गुजरात के 12 साल मुख्यमंत्री रहे प्रसून जी, कभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, कभी भी अपने मिशन डॉक्यूमेंट में ये फ्री की बात नहीं की। अरे फ्री की बात करें या ना करें, कोई आदमी कह रहा है मैं प्रबंधन करके अपनी प्रबंधन व्यवस्था से मैं ऐसा काम कर दूंगा, एक गरीब आदमी है ना। मैं कह रहा हूँ गरीब आदमी को गरीब आदमी को मुफ्त में बिजली मिल रही है, उसमें क्या आपत्ति है? क्या हम राजनीति को रसा दे ही नहीं सकते आप? हम भी कह रहे हैं आप कैसे मान सकते, नहीं दे सकते? मैं बता रहा हूँ, आप देखे दिखा रहे हो। अगर उन्होंने कुछ अपना प्रबंधन कर लिया और कहीं से बिजली निकाल के कहीं से बचा के दे दिया। देखिए बिजली बनती नहीं है, बिजली ली जाती है, पैसे देकर ली जाती, सब्सिडी दी जाती है, बिजली कंपनियों को दी जाती है। मैं क्यों नहीं, क्यों बोल रहा? नहीं झूठ आप आ गए, आप कैसे मान रहे हैं कि झूठ? पहले दिन से प्रदर्शन शुरू हो रहा है आपके इस दफ्तर, पहले दिन से प्रदर्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जब सुविधाओं देने की बात की जाती है आप कह सकते हैं कि इनको अब प्रदर्शन की बात नहीं करनी चाहिए। कल से ही उनके घर पर जनता ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, आपको जानकारी होगी तो। नहीं मुझे जानकारी है, जनता ने नहीं प्रदर्शन किया है। कुछ लोग हैं अपनी, कुछ लोगों को रोजगार चाहिए, कुछ लोगों को परमानेंट। अभी रोज देखिएगा, रोज होगा नहीं तो। आपने प्रलोभन का वो प्रसाद बांट दिया है जो जनता को आपने वोटर नहीं समझा, लोभी समझा, और ये राजनीतिक अपराध है। मैं आज इसलिए कह सकता हूं कि मैं निर्विवाद रूप से बात करता हूं, ये राजनीतिक अपराध को भुगतना पड़ेगा पहले दिन से, क्योंकि आपने वोटर के नाते वो अपराध बीजेपी ने नहीं किया, नहीं किया। अवैध बस्तियों को आप रेगुलराइज कर रहे हैं, चुनाव हारने के बाद किरण बेदी जी कहती है कि अवैध बस्तियां नहीं लगेंगी। नहीं, हमने जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है कि अनाधिक कॉलोनी वैध होंगी, वो सारे वैध होंगे, उसके सारे प्रोसीजर पूरे होंगे। कह रहे हैं आगे से नहीं होना चाहिए, दिल्ली को गंदा करते हैं किरण बेदी। किरण बेदी जी ने जो बयान दिया होगा मुझे पता नहीं, मैंने हमारी सरकार ने केंद्र की जो कहा है हम उसको फुलफिल करेंगे, और हमने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को हर उस मामले में जो दिल्ली के हित के लिए होगा सहयोग करें। संघीय प्रणाली में हम जीवित हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते, जनता ने चुनाव जनादेश दिया। तो आप मानते हैं कि अब मान रहे हैं आप कि जो उनके वादे हैं उसके लिए उनको कुछ समय देंगे आप? निश्चित तौर पर मेरे प्रधानमंत्री ने स्वयं चाय पर बुलाकर बात, लेकिन अगले दिन कह दिया कि फ्री में मुफ्त में दे रहे हैं। नहीं उन्होंने ये कहा प्रबंधन व्यवस्था है तो इसमें दिक्कत क्या है? बिजली देने की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर कोई प्रबंध करके कर रहा है कि मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मुझे आप बिजली 24 घंटे दीजिए मित्र प्रसून जी, मुझे बिजली मुफ्त मत दीजिए। आप 24 घंटे गरीब नहीं, 24 घंटे और मुफ्त की बात सुविधा होगी लोगों के लिए। आप 24 घंटे बिजली चाह रहे हैं कि गरीब के लिए बात कर रहे हैं? आपसे क्लियर करना, गरीब की बात कर रहे हैं, नहीं दे सकते और रात में बिजली।